कोरबा जिला में पंडो जनजाति का एक युवक भालू से भिड़ गया। दरअसल भालू ने उस पर हमला किया था तो युवक ने अपनी जान बचाने के लिए भालू से संघर्ष किया। 10 मिनट तक लड़ाई चलती रही और आखिरकार भालू जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना में गंभीर युवक किसी तरह घर तो पहुंच गया लेकिन उसे अस्पताल ले जाने में भारी मशक्कत करना पड़ा। घटना कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र अंतर्गत सेमरा सर्किल की है। दरअसल तिलई डांड वन परिक्षेत्र में घने जंगल के बीच ग्राम बनखेता स्थित है, जिसके आश्रित ग्राम रानीगढ़ी में पंडो जनजाति के परिवार निवास करते हैं। रानीगढ़ी में रहने वाला बनसराम पंडो उम्र 36 वर्ष एक दिन पहले किसी काम से घर से बाहर निकला हुआ था और कल शाम करीब 7 बजे वो तेज बारिश के बीच पहाड़ी के रास्ते घर लौट रहा था। इस दौरान भालू ने बनसराम पर हमला कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया। उनके बीच करीब 10 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार भालू जंगल की ओर भाग गया। घटना में बनसराम गंभीर रूप से घायल हो गया। भालू ने उसके पैर और पिंडली को नोच लिया है। वह खून से लथपथ होकर घर पहुंचा था। घटना की जानकारी सरपंच ने वन विभाग को दी। उनके लिए भी बारिश के बीच पहाड़ी पर पहुंच पाना संभव नहीं था। ऐसे में गंभीर रूप से घायल युवक को मुख्य मार्ग तक लाने की सलाह दी गई। इस तरह परिजन पहाड़ी रास्ते में अंधेरे के बीच घायल युवक को पत्थर फोड़ तक लेकर पहुंचे, जहां वन विभाग की टीम मौजूद थी। वन विभाग की टीम ने घायल युवक को संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से इलाज के लिए पसान स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया और जहां युवक का इलाज चल रहा है।